टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हॉटस्पॉट का जायजा लेने मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता सी मिश्रा बुलंदशहर पहुंची। जहां कमिश्नर ने सीलिंग हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। सीएम के आदेश पर बुलंदशहर में चिन्हित हुए 3 कोरोना हॉटस्पॉट को सील किया जा चुका है। इस कार्यवाही के बाद कमिश्नर ने हॉटस्पॉट को लेकर डीएम और एसएसपी को दिशा निर्देश दिए। कार्रवाई प्रशासन इस दौरान करेगा। सैनिटाइजेशन की कार्रवाई इन क्षेत्रों में, और दूसरा जो भी सस्पेक्टेड केसेस कहीं पर है, किसी को लक्षण है तो इंटेंसिव हमें होम सर्विलांस भी इस दौरान हम लोग कराएंगे। कोई अगर सस्पेक्टेड केस लगता है उसको हम आइसोलेट करेंगे, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। एसेंशियल सप्लाईज है उनकी डिलीवरी प्रशासन डोर स्टेप इंश्योर कराएगा। इसमें मैं अपील भी करना चाहूँगी, पब्लिक इसमें सहयोग करे, अपने घरों से बिल्कुल ना निकले। अगर कोई निकलेगा तो ऑब्वियसली कार्रवाई हम लोग करेंगे उसको, उसके अगेंस्ट। लेकिन अपील यही है कि सब सहयोग करें, ये हम सबकी एकजुट लड़ाई है, बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। इसलिए इसका जो ट्रांसमिशन है वायरस का चेन जो है उसको ब्रेक करने के लिए पूरी कार्रवाई ये सीलिंग कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी बुलंदशहर ने यहाँ पे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के उनके सहयोग से यहाँ पे इनोवेशन कराया बेसिकली। और अगर ये एक तो सैनिटाइजर है इसमें, और प्लस उसको रोबोट की तरह मूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इट्स अच्छी शुरुआत है, अगर इसकी यूटिलिटी और होगी तो इसको आगे हम लोग और स्केल अप करने की सोचेंगे, और स्केल अप करने की प्रयास करेंगे। इसका जबकि आम लोगों से भी सीलिंग और लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील की गई। बुलंदशहर में कोरोना कंट्रोल रूम का भी फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। तो वहीं हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कंट्रोल रूम के बाहर एक रोबोट भी रखा गया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।